तो सर अगर अपन ज्योमेट्री के हिसाब से चले तो पहले अपन थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ पैरेललोग्राम के बारे में और क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ठीक है ना। तो सर अगर अपन एक नॉर्मल पैरेललोग्राम समझें तो कुछ बातें हैं, थोड़ा सा ढंग से लिखोगे तो काफी अच्छी रहेंगी। तो सर पैरेललोग्राम को हम डियर डैडी बोलते हैं, पैरेललोग्राम को हम लोग डियर अगर बात करें तो डियर डैडी बोलते हैं। और पैरेललोग्राम के बारे में ये जानना जरूरी है कि कोई भी अगर फिगर पैरेललोग्राम है तो क्यों है, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हो। तो जैसे ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू व्हाट बी सी, सिमिलरली ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू व्हाट बी सी। सर ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी, इसलिए पैरेललोग्राम। सर इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल रहती हैं, अपोजिट एंगल्स भी क्या रहते हैं इक्वल, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। सर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका अर्थात क्या, अगर मैं बात करूं और अच्छे से बात करूं तो कहीं ना कहीं ए ओ इज इक्वल टू कितना ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू कितना ओ डी। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू कितना ओ डी। तो सर अच्छी बात है, मैंने बोला हाँ बात तो खैर अच्छी है अगर अपन लेके चले और सिस्टमेटिक लेके चले, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू कितना ओ डी, ठीक है। सर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, ये बात भी जानने की बात जरूरी है। मैंने बोला इसका मतलब क्या कि ये जो पास पास वाले एंगल्स हैं अगर अपन बात करें तो एंगल ए के पास में क्या आ रहा है डी, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना 180। सर इसी को आप मैथ्स की भाषा में अगर एंगल ए प्लस एंगल बी भी लिख रहे हो तो भी क्या होगा 180। इसको आप मैथ्स की भाषा में और पैरेलल लाइंस की भाषा में को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल अगर 180 है ऐसे एंगल्स को आप को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, मतलब पास पास वाले एंगल्स का सम कितना रहेगा 180। सर ठीक है, अच्छी बात है आपने समझा लिया। सर अभी पैरेललोग्राम का अपन ने नाम रखा है डियर डैडी, डियर व्हाट डैडी, क्योंकि ये सबके पिता रहते हैं, इनके घर में इनके पहले पुत्र का जन्म हुआ, उस पहले पुत्र का नाम रखा गया रोमबस। तो सर क्या रोमबस भी पैरेललोग्राम होता है? हाँ हर बेटा बाप तो होता ही है ना, या हर बेटा बाप में से ही निकलता है। तो सर रोमबस और पैरेललोग्राम में क्या फर्क है, तो अब ये जान के चलेंगे। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रोमबस आई वुड सबकॉन्शियसली वुड बी नोइंग कि रोमबस के पास क्या है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या पैरेललोग्राम, मतलब पापा की सारी प्रॉपर्टीज है, मतलब इसके भी क्या है अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं, इसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, सब कुछ। लेकिन इसके बस माँ की प्रॉपर्टी, अब द माँ प्रॉपर्टी जो इसको स्पेशल बनाती है वो है कि इसकी अपोजिट साइड्स नहीं, इसकी ऑल साइड्स ही क्या होती है इक्वल। तो रोमबस के बारे में कभी भी बात हो रही हो तो आप बोलेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, रोमबस की ऑल साइड्स क्या होती है दोस्तों इक्वल, और मतलब ए बी शुड बी इक्वल टू कितना बी सी, शुड बी इक्वल टू सी डी एंड शुड बी इक्वल टू ए डी, गॉट इट। नेक्स्ट अगर हम बात करूं जो रोमबस के डायगोनल्स है ना दोस्तों वो बाइसेक्ट एट 90 करते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना, बाइसेक्ट तो पैरेललोग्राम के भी करते हैं बट यहाँ का एंगल स्पेशल क्या होता है 90 डिग्री इन केस ऑफ व्हाट रोमबस। तो इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 करते हैं, मतलब रोमबस है तो एंगल वो कितना होगा 90। सर एरिया किसी भी पैरेललोग्राम का या अगर अपन किसी भी रोमबस का देखें तो जो नॉर्मल लेवल पे एरिया रहता है अगर अपन बात करें या सिस्टमेटिक बात करें तो वो होता है बेस इनटू हाइट। सर क्या ये एरिया किसी भी पैरेललोग्राम का होता है? हाँ पैरेललोग्राम का भी होता है, रोमबस का भी होता है। सर हम जो अगर ये बेस तो यहां से ये क्या हो जाएगी हाइट, अगर ये बेस है तो ये क्या हो जाएगी हाइट, तो हाफ बेस इनटू व्हाट सॉरी बेस इनटू हाइट, दिस इज द बेस दिस वुड बी द हाइट, गेटिंग इट।
क्या बेस दूसरी साइड भी हो सकती है। हाँ, इन केस ऑफ अगर आपको पैरेलोग्राम देखना है तो आप पैरेलोग्राम का भी एरिया समझो। अगर ये बेस है, अगर आप डीसी को बेस ले रहे हो तो आपकी हाइट आप ऐसी गिराओगे एम, तो एरिया ऑफ पैरेलोग्राम क्या हो जाएगा आपके पास, बेस इंटू हाइट। आप बेस डीसी को मान रहे हो तो हाइट क्या हो जाएगी एम, हाइट क्या हो जाएगी आपके पास एम। और अगर आप बेस इसको मान रहे हो, इसको लेट से बीसी को, सर ये बात भी सही है, अगर हम बेस बीसी को मान रहे हैं तो यहां से भी एक और हाइट गिर जाएगी ए एन। ये 90 डिग्री की हाइट मतलब 90। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हाइट आई वुड ऑलवेज रिफर द एंगल शुड बी व्हाट 90, इट शुड बी व्हाट ऑल्टीट्यूड, इट शुड बी व्हाट ऑल्टीट्यूड। सर ठीक है कि डीसी इंटू एम भी वही आएगा जो बीसी इंटू ए एन आएगा, बीसी इंटू कितना आएगा आपके पास ए। सर ठीक है बात तो अच्छी है, मैंने बोला हाँ बात अच्छी है। इसी कारण से अगर अपन रोमबस की बात करें तो रोमबस का भी यही खेत है, बेस इंटू हाइट से क्या होता है एरिया, इसका एरिया एक और होता है। तो इसका एरिया सर क्या होता है अगर आपको सुनना हो तो इसका एरिया एक और होता है हाफ डायगोनल वन इंटू वॉट डायगोनल टू, हाफ डी वन इंटू डी टू, हाफ डी वन इंटू वॉट डी टू। सो डायगोनल वन इंटू वॉट डायगोनल टू, हाफ डायगोनल वन इंटू डायगोनल टू। ध्यान रखिएगा ये चारों ट्राइंगल्स के एरिया भी सेम ही रहते हैं, और आया समझ। तो ये चारों कौन से ट्राइंगल्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सर ठीक है तो इसके पास माँ की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या थी रोमबस के पास, तो इसकी ऑल साइड्स क्या रहती है इक्वल, इसका एंगल ओ कितना रहता है 90। लेट्स गो टू द सेकंड सन, इनकी फैमिली में दूसरा बच्चा कौन सा पैदा हुआ, तो पैदा हुआ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ने बोला मैं भी रोमबस के समान ही हूँ, हमने बोला हाँ तो उसी का बेटा है तो उसी के समान ही रहेगा। इसका मतलब अगर आपके पास ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो क्या सर रेक्टेंगल के पास ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलोग्राम रहेगी, मतलब इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यस। तो सर इसकी माँ की प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, इसकी माँ की प्रॉपर्टी है ऑल, अगर मैं बात करूं तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, यार इसके सारे एंगल्स ही क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और वो इक्वल टू कितने होते हैं 90। तो रेक्टेंगल के अंदर स्पेशल बात ये हुई कि पैरेलोग्राम तो है लेकिन इसके सारे एंगल कितने हैं 90 प्लस, दोस्तों रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाकी किसी चीज के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स क्या होते हैं इक्वल। मतलब इसका जो ये एसी बनेगा ना और यहां से क्या रहेगा बीडी, वो आपस में क्या होगा इक्वल, तो एसी इक्वल टू कितना बीडी, एसी वुड बी इक्वल टू व्हाट बी डी। सर ठीक है मतलब अच्छा ही है और सिस्टमेटिक है। अब इनके घर में एक लाडला पुत्र उत्पन्न हुआ जिसको हम बोलते हैं लाडला, और सर वो लाडला है हमारा स्क्वायर। इसके पास बाप की भी सारी प्रॉपर्टी है और माँ की भी सारी प्रॉपर्टी, मतलब माँ ने कुछ प्रॉपर्टी रोमबस को दी, कुछ प्रॉपर्टी रेक्टेंगल्स को दी, लेकिन स्क्वायर को बोला तू तो मेरा लाडला है देखो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगी तुझसे अच्छा कोई ना होगा। हमने ही बोला हाँ ऐसे भी हमको बचपन से स्क्वायर बनाना इजी लगता था। सर क्यों, क्योंकि स्क्वायर के पास पापा की तो सारी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब पापा प्रॉपर्टी मतलब पैरेलोग्राम प्रॉपर्टी तो सारी है, इसके पास माँ की भी सारी प्रॉपर्टी, माँ मतलब ऐसा इसकी ऑल साइड्स इक्वल है। हाँ इसके ऑल साइड्स क्या है इक्वल, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू कितना ए डी। सर इसके डायगोनल्स बायसेक्ट एट 90 करते हैं, हाँ इसके डायगोनल्स बायसेक्ट एट क्या करते हैं 90, डायगोनल्स बायसेक्ट क्या करते हैं 90। तो सर डायगोनल्स बायसेक्ट एट क्या करते हैं दोस्तों 90 डिग्री, डायगोनल बायसेक्ट एट 90 डिग्री। सर क्या इसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या इसके ऑल एंगल्स भी 90 है, तो हाँ यार सर इसके ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सर इसी में अगर आप और बात करो तो क्या इसके डायगोनल्स इक्वल भी हैं, हाँ इसके डायगोनल्स इक्वल भी हैं। तो सर डायगोनल्स इक्वल है मतलब ए सी इज इक्वल टू व्हाट बी, ए सी इज इक्वल टू व्हाट बी, गॉट इट। तो सर स्क्वायर के पास माँ की भी चारों प्रॉपर्टी बाप की भी चारों प्रॉपर्टी, तो ये इनका क्या हो गया लाडला। सर बात तो सही बोल रहे हो, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपको कहीं ना कहीं एरिया के बारे में बात करनी है तो इसका जो, अगर हम बात करूं कोई मुझसे पूछे कि
रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपको पता ही, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इनटू साइड या साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर। सर इसका पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है इसका 2 इनटू एल प्लस बी, और इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब बाहर बाहर की बाउंड्री, जोन 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 बाहर बाहर की बाउंड्रीज कितनी होती है इसकी, तो पेरीमीटर इसका होता है 4 इनटू साइड, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है। सेम विद द केस ऑफ, अगर आप बोलोगे इसकी सारी साइड्स अगर इक्वल है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसका पेरीमीटर, एरिया तो लिख लिया अपन, दिस इज द एरिया, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 है, कितना हो जाएगा, किसका, रोम्बस का। तो सर रोम्बस का पेरीमीटर कितना हो गया आपके पास, 4 है। और कोई बच्चा मुझसे पूछे सर पैरेलोग्राम का पेरीमीटर, तो पैरेलोग्राम का एरिया तो लिख लिया आपने, अगर पेरीमीटर लिखना हो तो इसका भी 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि एक लेंथ होती है और दूसरी क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। सर ठीक है, अच्छी बातें चल रही हैं, मैंने बोला हाँ कॉन्सेप्ट वाइज तो अच्छी बातें ही चल रही हैं। सर इनके घर में एक नाजायज औलाद भी पैदा, मतलब जो पैरेलोग्राम का भाई तो था लेकिन होके भी भाई नहीं था, वो कौन था, वो था ट्रेपेजियम। सर क्या ट्रेपेजियम शेप के फिगर भी रहते हैं, हाँ, तो ये नाजायज इसलिए था, इसके पास कुछ खास बातें नहीं थी, सिर्फ इसकी एक ही बात थी कि इसकी एक साइड तो पैरेलल थी और एक साइड पैरेलल नहीं थी, मतलब इसने दूसरी बात को मना कर दिया क्या, बस एक ही साइड था पैरेलल, तो इसका बाप तो वही था लेकिन माँ का पता नहीं। तो अगर अपन बात करें तो ए बी सी डी क्या है आपके पास, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये बात है, इसकी एक साइड्स क्या होती है, पैरेलल, और दूसरी क्या होती है, नॉन पैरेलल, ठीक है, इक्वल कोई साइड्स भी नहीं होती। हाँ कभी आपको बोला हो कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ऐसा वर्ड बोला हो तो ध्यान रखना उस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब वो बोलना चाहते हैं कि एडी इक्वल टू क्या है, बीसी, बट नॉर्मली एडी इक्वल टू भी बीसी नहीं होती है, ये तो अगर बोला हो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो इसकी एडी इक्वल टू क्या होगी दोस्तों, बीसी। Got it? Sir, इसका एरिया क्या होता है, मोनोलिथिक एरिया इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप हाइट गिराते हो तो हाफ, दिस इज नोन एज बेस वन एंड दिस इज नोन एज व्हाट, बेस टू। तो सर अगर हम आपसे बात करें तो हाफ बेस वन प्लस बेस टू इंटू व्हाट, हाइट, एंड हाइट इज दिस एम, मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस वी कैन से हाफ ए बी प्लस सी डी इंटू एम, हाफ ए बी प्लस सी डी इंटू व्हाट, ए एम। सर क्वाइट गुड, और सर पेरीमीटर मतलब सारी साइड्स को ऐड कर लो, मतलब अगर इस साइड का नाम आप दे रहे हो क्या बी वन, इसको बी टू, इसको आप पी नाम दे दो और क्यू दे दो, तो अगर पेरीमीटर निकालना हो तो आप पेरीमीटर में क्या करो, बस बी वन प्लस बी टू प्लस पी प्लस क्यू। पेरीमीटर का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाउंड्रीज होती, पेरीमीटर्स का मतलब क्या होता है आपके पास, बाउंड्रीज, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। सर ठीक है, तो सर क्या ये नाजायज औलाद थी, मैंने बोला हाँ ये थोड़ी सी नाजायज औलाद थी, एरिया पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इसका एरिया के बारे में, ठीक है ना। अभी सर थोड़ा सा आपसे ही टच लेके अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं घुसना चाहता हूँ इन्हीं के साथ एक चीज और सिखाने के लिए, पहले वैसे मेरे को पूरा सर्कल पढ़ाना चाहिए, बट एक और कंसेप्ट ले लो इसी में, उसका हेडिंग डाल दो साइक्लिक क्वाड्रेंट। सर साइक्लिक क्वाड्रेंट के बारे में आप क्या बताना चाहते हो, मतलब देखो यार अगर अपन चले और अच्छे से चले, तो सर ये क्या सर्कल है, मैंने बोला हाँ सर्कल के अंदर बनने वाला कोई भी क्वाड्रेंट साइक्लिक क्वाड्रेंट कहलाता है, सर्कल के बनने अंदर बनने वाला कोई भी क्वाड्रेंट क्या कहलाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब सर्कल के अंदर, की अच्छी बात यह होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते, बट अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180, एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180, और सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो 180। सर अगर गलती से इसके अंदर कोई पैरेलोग्राम बन रहा है तो वैसे तो ये क्या अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, साइक्लिक क्वाड, लेकिन ये बात ध्यान रखना अगर सर्कल के अंदर कोई पैरेलोग्राम बन रहा है तो साइक्लिक पैरेलोग्राम हमेशा रेक्टेंगल ही बन जाएगा, हमेशा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, क्योंकि क्या होगा ना पैरेलोग्राम मतलब अपोजिट एंगल्स क्या हो रहे हैं, इक्वल, मतलब इसको भी क्या मान लोगे x, इसको भी क्या मान लोगे x, और x प्लस x फिर बाद में कितना हो जाएगा 180, तो इन शॉर्ट एंगल कितना हो जाएगा 90, तो इसका मतलब साइक्लिक
पैरेललोग्राम आपका अपने आप में क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। सर ठीक है, अच्छी बात है। सर थोड़ा सा लेट्स गो टू द ग्रीव इनपुट्स ऑन सर्कल। सर सर्कल्स एक चीज है, इसके बारे में हमको कुछ जानना ये जरूरी है कि अगर अपन बात करें तो अगर ये आपका सर्कल है तो पहली बात तो सर्कल का एरिया क्या होता है। एरिया होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। एरिया मतलब अंदर अंदर सर्कल के अंदर क्या चीज है। और सर सर्कल की बाउंड्री बाउंड्री ही टहलना है, मतलब आप किसी पार्क गए हो और उस पार्क की बाउंड्री बाउंड्री ही घूमना है आपको, तो उसका सर्कमफेरेंस के बारे में बात करेंगे। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दोस्तों होता है 2πr। पाई का मतलब 22/7 ले लो या 3.14 ले लो, वॉट एवर यू विश। सर्कमफेरेंस कितना होता है आपके पास, 2πr, ठीक है ना। तो सर ठीक है, सर इसी सर्कल में आप एक चीज और समझ सकते हो। लेट्स से अगर मैं ये एरिया ज्वाइन करूं तो ये जितना हिस्सा बचाना, इतने हिस्से को बोलते हैं माइनर आर, क्या बोलते हैं। और जो ये नीचे बच गई पूरी, वो क्या बन गई आपके पास, मेजर आर। ठीक है ना, आर्क मतलब इतना मेजर, ठीक है ना। सर अगर आपसे पूछे माइनर आर्क निकालनी, आर्क मतलब इतना सा डिस्टेंस निकालनी, इतना सा, तो माइनर आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन में 360। थीटा मतलब एंगल, थीटा मतलब एंगल, थीटा अपॉन में 360 इनटू 2πr इनटू व्हाट, 2πr। सर मेजर आर्क निकालना हो तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि मेजर आर्क निकालनी हो तो पूरे सर्कमफेरेंस में से, पूरे सर्कमफेरेंस में से आप क्या माइनस करो, पूरे सर्कमफेरेंस में से आप माइनस कर दो माइनर आर्क, तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाए, मेजर आर्क। अगर आप पूरे सर्कमफेरेंस में से माइनर आर्क माइनस कर दोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, मेजर आर्क, ठीक है ना दोस्तों। सर बात तो सही है, मैंने बोला हाँ दिस इज मेजर आर्क। सर थोड़ा सा और समझाओ ना, हमको अच्छा लग रहा है सर्कल के बारे में। तो सुन ना, अगर मैं तेरे को सर्कल के बारे में और भी समझाना चाहूं तो समझ ले, अगर ये तेरे पास सर्कल है तो इस पर्टिकुलर एरिया को अगर मैं बोलूं तो अपन बोलते हैं सेक्टर, क्या बोलते हैं दोस्तों, सेक्टर। और अगर अपन एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब सेक्टर मतलब ही पूरा एरिया, हाँ सेक्टर मतलब ही पूरा एरिया। और इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, दिस इज माइनर सेक्टर। एंड इफ यू गो अबव इट तो इट वुड बी मेजर सेक्टर। तो सर इधर का थीटा ले लो, या अगर किसी को चाहिए कि सर मेजर सेक्टर के लिए एंगल निकालना है तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो सर मेजर सेक्टर के दो तरीके हैं, या तो आप थीटा की जगह पे क्या ले लो, 360 माइनस थीटा अपॉन में कितना, 360 इंटू कितना, पाई आर स्क्वायर। या आप पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के क्या एरिया में से क्या माइनस करो, माइनस सेक्टर। अगर एरिया में से माइनर सेक्टर गया दोस्तों तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, मेजर सेक्टर, ठीक है सर। सर इसी में एक बात गुप्त छुपी हुई है। सर कैसी बात, अगर मैं आपको बोलूं सिस्टमेटिक तरीके से कि सर्कल के बारे में ही बात कर रहा हूं तो उसी के बारे में बात करूंगा कि समझो अगर ये सर्कल है, ठीक है, और ये आपका सेक्टर भी बन गया। अगर अपन बात करें तो ये आपका सेक्टर भी बन गया। तो सर ये जो नीचे का सिर्फ इतना सा हिस्सा है ना, इतना सा हिस्सा, दिस पर्टिकुलर स्पेस इज नोन एज सेगमेंट, दिस पर्टिकुलर स्पेस इज नोन एज व्हाट, सेगमेंट। नाउ दिस इज व्हाट, माइनर सेगमेंट। और जो इसके अलावा ऊपर का पूरा बच गया है ऊपर ऊपर, तो मेरे पास वो सब क्या हो जाए, मेजर सेगमेंट। तो बस एक क्या हो गया माइनर, एक क्या हो गया, यहां से पूरा मेजर से, ठीक है ना। तो सर अगर अपन लॉजिकली बात करें तो कोई मुझसे पूछे कि सर आपको अगर अपन सिस्टमेटिक बात कर लें कि आपको सेगमेंट निकालनी है तो आप क्या करोगे, देखिए सेगमेंट निकालनी है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे पास एक ट्रिक है, कैन आई से सेक्टर, पूरा सेक्टर, सेक्टर में से अगर ट्राइंगल माइनस करो, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कैसे भी निकाल, तो सेक्टर माइनस ट्राइंगल इज व्हाट, सेगमेंट।
सेक्टर माइनस ट्राइंगल इज वॉट सेगमेंट, सेक्टर माइनस ट्राइंगल इज वॉट सेगमेंट, ठीक है सर, अच्छी बात है वो आप करोगे कैसे ना कैसे, मैंने बोला व्हाट दैट आई विल बी डूइंग, ठीक है सर। सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, समझाना अच्छी लगेगी आप लोगों को, तो कुल 10 प्रॉपर्टीज है दोस्तों, धीरे धीरे समझते हैं कि सर्कल की प्रॉपर्टीज क्या कहती है। तो दोस्तों सर्कल की प्रॉपर्टीज कहती है, सबसे पहले तो अगर अपन अच्छे से बात करें तो पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर ये सर्कल है और ये ओ है, तो यहां से कोई भी परपेंडिकुलर ग्राफ तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब ए बी इज अ कॉर्ड, तो पहली प्रॉपर्टी बोलती है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द, इसका अर्थात क्या कि अगर ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी देन एडी और डीबी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, तो दिस इज इफ एंड दिस इज देन, अगर ऐसा है तो ऐसा, और उल्टा ही बोल सकते हो, इफ एडी इज इक्वल टू क्या है डीबी, अगर ये लाइन कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रही है तो देन वो ओडी परपेंडिकुलर टू क्या होगी ए बी तो होगी, ओडी परपेंडिकुलर टू क्या होगी ए बी होगी सर, मतलब अच्छा ही लग रहा है, मैंने बोला हाँ अच्छा लग रहा है कि अगर एडी इज इक्वल टू डीबी, सर ये थ्योरम वन हो गई और ये दूसरी क्या हो गई थ्योरम टू। सर नेक्स्ट पार्ट क्या बताना चाहते हो, तो नेक्स्ट पार्ट ये है कि इंपॉर्टेंट है इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इसका मतलब अगर कोई सर्कल है, कोई भी क्या है सर्कल और उसके अंदर कोई भी दो कॉर्ड्स अगर इक्वल है, मतलब अगर ये ए बी है और आप कहीं से भी ले लो ऐसी सीढ़ी ले लो, मतलब समझो ऐसी ले लो सीढ़ी, और अगर आपको बोल के रखा है इफ ए बी इज इक्वल टू कितना सीडी, देन जो इनका सेंटर से डिस्टेंस होगा देन इनका सेंटर से डिस्टेंस होगा कौन सा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन ओ एम इज इक्वल टू कितना हो जाए OM, एंड वाइस वर्सा इफ OM इज इक्वल टू ON आ गया किसी कारण से, देन AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा CD, इफ OM इज इक्वल टू ON आ गया देन AB इक्वल टू कितना हो जाएगा CD। सर मतलब अच्छी ही बात है, मैंने बोला हाँ अच्छी तो बात है, तो इक्वल कॉर्ड्स, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा इक्वल, सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो फिर कॉर्ड्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी सर। आगे क्या समझाना चाहते हो अगर मैं बात करूं तो अगला ये है दोस्तों, इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स सब्सटेंस, सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर, इसका मतलब क्या कि अगर कोई कॉर्ड्स इक्वल है तो जो सेंटर पे एंगल बना रही होंगी वो क्या होगा इक्वल, मतलब अगर एक ए बी कॉर्ड है और लेट्स से एक सी डी कॉर्ड है, तो अगर ए बी इक्वल टू कितना है सी डी, देन इनका जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, जो इनका सेंटर पे एंगल बन रहा है एंगल ओ, वो क्या हो जाएगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा सी ओ डी, खुद सोचो ना ये ट्राइंगल ही कॉन्वेंट हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये भी रेडियस यहाँ से ये भी रेडियस, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, और वो खुद ही बोल रहे हैं दोनों आपस में क्या है इक्वल, तो ट्राइंगल एस 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 से क्या हो जाएंगे कॉन्वेंट, ट्राइंगल एस 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 से क्या हो जाएंगे, तो इक्वल कॉर्ड्स सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर, वैसा वर्षा अगर एंगल इक्वल है, अगर सेंटर पे एंगल ए ओ बी, इफ एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी इक्वल है किसी प्रकार से, तो देन आपकी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगी सी, तो सर अच्छी बात है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट
अब इसको आईएमपी भी लिखना और एक काम भी आएगी और बहुत जगह काम आएगी, एंगल सबस्टेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबस्टेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबस्टेंडेड बाय इट, सबस्टेंडेड बाय इट एट एनी अदर पार्ट ऑफ सर्कल। इसका मतलब क्या, इसका मतलब समझिएगा कि कोई भी अगर एक आर्क सर्कल पे सेंटर पे जो भी एंगल बनाएगी, समझो अगर ये मैं आपसे बोलूं ये सर्कल है पूरा आपका, लेट्स सी यहाँ पे सर्कल है आपके पास और यहां से ए हो गया और फिर यहां से क्या हो गया, अगर मैं बात करूं अच्छे से, एक तरफ ए हो गया और एक तरफ क्या हो गया बी, तो जो भी ये सेंटर पे एंगल बनाएगी, जो भी यहां पे एंगल बनाए वो 2x होगा हर उस एंगल की जो ये किसी और पार्ट में बनाएगी, मतलब एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एवरी एंगल जो किसी पार्ट में बनाएगी, मतलब अगर मैं बात करूं कि यहां पे कोई एंगल बना रही है तो फिर इसको एक्स ही होना पड़ेगा, यहां पे कोई एंगल बना रही है तो इस एंगल को एक्स ही होना पड़ेगा, यहाँ पे कोई एंगल बना रही है तो उस एंगल को क्या होना पड़ेगा एक्स ही होना, यहाँ पे कोई एंगल बना रही है तो क्या होना पड़ेगा एक्स। इसका मतलब आप इसको पी नाम दे दो, क्यू नाम दे दो, आर नाम दे दो, तो एंगल ओएबी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी बोल दो, या ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी बोल दो, या ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी बोल दो, बस शुरू ए से होना चाहिए और खत्म कहां पे होना चाहिए बी, और एक बात और ध्यान की होना इस तरफ ही चाहिए, ठीक है ना, इस तरफ ऊपर की तरफ, इस तरफ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो सेंटर के इस तरफ आ गया, इस तरफ वो एंगल होगा तो वो एंगल क्या हो जाएगा एज पर साइक्लिक ऑर्डर, इस तरफ को एंगल होगा तो वो हो जाएगा 180 माइनस कितना एक्स, क्योंकि ऊपर कितना बन रहा है एक्स, तो नीचे कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं 180 होते हैं, तो सर वो एंगल होना उस तरफ ही चाहिए। तो ये बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, वो बोलती है कि तो सेंटर ये यहाँ पे अगर ए से शुरू होके कहानी अगर ए से शुरू होकर बी पे खत्म करोगे किसी भी पार्ट पे, सर्कल के इस तरफ वाले किसी भी पार्ट पे ए से शुरू होकर बी पे खत्म करोगे तो ये तो सारे एंगल इक्वल बनेंगे। इसी से आपकी नेक्स्ट टर्म वो बोलती है कि नेक्स्ट टर्म ये बोलना चाहती है, अगर मैं बात करूं कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, सेम सेगमेंट मतलब देखो तो ए से शुरू होकर बी पे खत्म हो रहा है वो सारे इक्वली होंगे, मतलब ए पी बी क्या है एक्स, ए क्यू बी भी क्या होगा एक्स, ए सी बी भी क्या होगा एक्स, ए आर बी भी क्या होगा एक्स। तो सर बच्चों के लिए समझने की क्या बात है, मतलब देख बच्चों के लिए समझने की तो ये बात है कहीं ना कहीं, अगर मैं अच्छे से बात करूं कि एंगल कहाँ से शुरू हो ए से शुरू हो और खत्म कहाँ पे हो बी पे, तो नाम से ही देख लेना एक तो एक तरफ हो मतलब ऐसा नहीं उस तरफ हो, तो यहाँ पे तो जितने एंगल बनाने की कोशिश करेगा और भी वो सब का भी लॉजिक यही होगा कि शुरू कहाँ से हो ए और खत्म कहाँ पे हो बी पे। सर ठीक है, इसी थ्योरम से एक और चीज बनती है, इसी थ्योरम सेम चीज से, अच्छा अगर मैं बोलूं कभी कभी यही बात पूछूं कि अगर ये डायमीटर हो जाए ए, सर यहां पे तो फ्री 180 बना रही, एंगल ए ओ बी हमारे लिए क्या हो जाएगा, सर देखो ना एंगल ए ओ बी आपके लिए क्या हो गया 180, एंगल ए ओ बी कितना हो गया 180, तो सर इस तरफ कोई भी एंगल बनेगा तो वो सब क्या हो जाएगा, हाँ कि ना, इस तरफ अगर कोई भी एंगल बनेगा तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, तो सर फिर आप उसको ए पी बी नाम दो या ए क्यू बी नाम दो या ए आर बी नाम दो, तो सर वो सारे एंगल क्या हो जाएंगे 90, वो सारे एंगल क्या हो जाएंगे 90। तो सर आप एक बात ये प्रूफ करना चाह रहे हो क्या कि ये तो ये सारे एंगल इक्वल होंगे, हाँ कि ना, और मतलब इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो सारे एंगल इक्वल होंगे, मतलब एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होते हैं इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होते हैं दोस्तों
इक्वल फर्स्ट। सेकंड, सेकंड अगर एंगल एओबी 180 है तो अगर ये क्योंकि ये क्यों है क्योंकि ढाई मीटर हो गया, क्योंकि ए भी क्या हो गया आपके लिए ढाई मीटर। तो अगर बात करें तो यहां पे आपके पास एंगल इन अ सेमी सर्कल हमेशा कितना होता है 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल हमेशा कितना होता है 90 डिग्री। सर अच्छी बात, मैंने बोला हाँ काफी अच्छी बात। सर्कल से रिलेटेड कुछ बातें और भी याद आती है दोस्त, कि अगर एक सर्कल है अगर मैं बात करूं और इसको कोई भी छू के निकल रहा है ऐसे प्यार से, मतलब छू के मतलब बाहर से, तो उसको अपन टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर ये P है और यहां से A और यहां से कितना B, तो एक बात ध्यान रखना जो सर्कल को टच करके निकलता है उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट टू सर्कल। अभी सर आप टेंजेंट के बारे में क्या बताना चाहते हो? पहली बात तो ध्यान रखना टेंजेंट का रेडियस से हमेशा एंगल कितना होगा 90। तो आप पढ़ सकते हो पहली बात सर टेंजेंट टू रेडियस, टेंजेंट टू रेडियस कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है ना, मतलब यहां से भी 90 डिग्री और यहां से भी अगर टेंजेंट बन रहा है तो 90 डिग्री। सेकेंड, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बन रहा है तो पी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू कितना, पी वी, पी ए इज इक्वल टू वॉट, पी। ठीक है, अच्छी बात है। तो पहली बात तो टेंजेंट टू रेडियस कितना हो गया 90। और हमेशा अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो वो टेंजेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल। हाँ, ये पी ए इज अ टेंजेंट, पी बी इज ऑल्सो अ टेंजेंट, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये ध्यान रखिएगा कि एक सर्कल पे मैक्सिमम एक किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ही बन सकते हैं, मैक्सिमम दो से ऊपर नहीं। मतलब अगर इस पॉइंट से तुम बोलोगे सर्कल पे मैं तीसरा टेंजेंट बना दूं तो बना के दिखा दो, ₹1,00,000 का नहीं, ठीक है ना, बना दो, घुमा के बना दो, चलो वो भी नहीं बना पाओ क्योंकि टेंजेंट को क्या बनाना है, 90, क्या बनाना है 90। तो मैक्सिमम टेंजेंट कितने बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि टेंजेंट और यहाँ का एंगल मिला 180 होता है। मतलब यू कैन से एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू व्हाट 90, एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180। क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी 90 बन चुका है, तो 90 और 90 तो यहाँ पे 180 हो गया, बाकी एंगल पी और एंगल ओ बचे तो कितने हो जाएंगे आपके 180 डिग्री। सर ठीक है, मतलब ये भी अच्छा ही है, मैंने बोला हाँ मतलब ये भी आपके पास अच्छी बातें हैं समझने की और अच्छे से करने की। चलें क्या दोस्तों, तो सर ये किसके बारे में आपने बताने की कोशिश करी, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत सर्कल्स के बारे में बताने की कोशिश करी। सर सर्कल सेक्टर से लेके अलग अलग चीजों तक पढ़ा अपने, सेगमेंट पढ़ा, सेक्टर पढ़ा, आर्क पढ़ा, माइनर आर्क पढ़ा, मेजर आर्क पढ़ा, सर्कल की प्रॉपर्टीज पढ़ी और सर्कल के अंदर अपन ने टेंजेंट का झोल झाल भी देख लिया। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब सर आगे और क्या, आगे एक अपन और तीसरी चीज खत्म करते हैं, दैट इज ट्रायंगल्स। अगर अपन सर ट्रायंगल्स क्या बोलते हैं, कुछ नहीं यार, एक एबीसी एक प्रकार का अपना क्या हो गया ट्रायंगल है। अगर तुम समझो ए बी सी ट्रायंगल है तो इसका एरिया आप कहीं से भी निकाल सकते हो वैसे, लेकिन उसके लिए परपेंडिकुलर निकालना जरूरी है। मतलब अगर मैं इसको बोलूं ये ए पी परपेंडिकुलर है या बी क्यू परपेंडिकुलर है या सी आर परपेंडिकुलर है, तो मेरे को तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक ही बात समझ में आती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अब तुम अगर बेस क्या लोगे बीसी को, तो हाइट क्या लोगे एपी। अब अगर तुम बेस लोगे एसी को तो हाइट क्या लोगे बी क्यू। अब अगर तुम बेस ही लोगे किसको एपी को तो हाइट कितनी हो जाएगी सी आर। अगर ए बी बेस है तो हाइट कितनी हो जाएगी सी आर, सी आर। सर अगर इनकी तीन साइड्स को ए ते बी ते सी माना जाए तो इनका पेरीमीटर बन जाएगा दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी। और इसी में एक और चीज आती है, अगर सेमी पेरीमीटर निकाले तो वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी।
बाय वॉट, टू, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। सर इसी से एक हेरोन्स फॉर्मूला बनता है किसी भी ट्राइंगल के एरिया निकालने का, और वो हेरोन्स फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सर क्या बात कर रहे हैं। तो समझो अगर ये 8, ये 10 और लेट्स से 12 है, तो आपका एस कितना निकल जाएगा, 8 प्लस 10 प्लस 12 डिवाइड बाय कितना, 2, शायद 15 एस निकल आएगा। तो सर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा इन दैट केस, इन दैट केस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा आपके पास 15 माइनस 8, 15 माइनस 10 और 15 माइनस 12। सर ठीक है, ये भी अच्छा है। मैंने बोला हाँ, मतलब ट्राइंगल्स, अगर सर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है इक्विलेटरल, तो उसकी साइड साइड से क्या हो जाएंगे इक्वल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो हो जाता है रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि सारी साइड से क्या होती है, सारी साइड क्या होती है आपके पास इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है रूट 3/4 ए स्क्वायर। सर जहां पे ट्राइंगल्स के मीडियंस मीट करते हैं, मीडियंस समझो एक ट्राइंगल है और मीडियंस का मतलब होता है मिड पॉइंट को मिला देते, तो ये आपके पास ए बी क्या है अपने आप में एक मीडियन, ये मिड पॉइंट है, परपेंडिकुलर ना हो चलेगा, मिड पॉइंट होना जरूरी है, ठीक है ना। ए इसको अपन ए डी मान लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से बी क्यू मान लेते हैं और यहाँ से सी आर मान लेते हैं। मीडियन मतलब मिड पॉइंट, मीडियम मतलब क्या, मिड। तो जहां पे ये मीडियंस मिड करते हैं, मीट करते हैं, लेट्स से इस पॉइंट को अपन नाम देते हैं जी, एंड दैट जी पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो सर जहां पे ट्राइंगल के मीडियंस मीट करते हैं उसको हम सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं। सर जहां पे ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड मीट करते हैं, ऑल्टीट्यूड का मतलब ये या ये या ये, तो जहां पे ऑल्टीट्यूड मिलते हैं उसको अपन ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, और ध्यान रखिएगा ऑर्थो सेंटर इसको 2:1 में डिवाइड करता है ऑल्टीट्यूड को। जैसे अगर जी ऑर्थो सेंटर, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ए जी अपॉन में जी डी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 2:1। सर बहुत प्यारी बात है, मैंने बोला हाँ ये ध्यान रखने की है, समझने की है और करने की है।